हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है। मैं 20 साल की हूँ। मैं दिखने में बहुत ही खूबसूरत और गोरी हूँ। दोस्तों, ये कहानी मेरी चाची की है, जिनकी अभी नई नई शादी हुई थी। वो दिखने में बहुत ज़्यादा गोरी तो नहीं थी, लेकिन उनके बाल बहुत लंबे थे, जिसकी वजह से वो भी सुंदर लगती थी। वो हमेशा एक टेलर के पास जाया करती थी और 3 घंटे के बाद ही वापस आती थी। ये सब देख कर एक दिन छुप कर मैं उनका पीछा की, मैं हैरान रह गई और फिर मुझे भी उनकी लत लग गई। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये कहानी मेरी सच्ची कहानी है, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि चाची रोजाना 3 घंटे टेलर के पास क्या करने जाती थी। ये बात तब की है जब मेरी चाची की नई नई शादी हुई थी। मेरी चाची का नाम रचना है। जब वो शुरू शुरू हमारे घर पर आई थी तो वो हम सबको बहुत प्यार करती थी, जैसे हम लोग उनके अपने ही परिवार हों। लेकिन धीरे धीरे उनका असली रंग हम सबके सामने आ ही गया था। शुरुआत में तो वो मेरे साथ काफी अच्छे से एक दोस्त एक बहन की तरह रहा करती थी। हम दोनों दिन भर आपस में बहुत सारी बातें करते और मस्ती मजाक किया करते थे। अभी उनके शादी के 1 महीना ही हुआ था और हम दोनों इतने घुल मिल गए थे कि मानो जैसे चाची मेरी सगी बहन हो। एक दिन उन्होंने हंसी में मुझसे पूछा कि प्रिया, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैंने कहा, क्या? चाची ने दोबारा पूछा, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मैं बोली, अरे चाची, आप भी ना। चाची बोली, इसमें शर्माने वाली क्या बात है? इस उम्र में और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के तो बॉयफ्रेंड होते ही हैं। मैंने कहा, होते तो हैं, लेकिन मुझे अभी तक कोई पसंद ही नहीं आया जो मुझे टक्कर दे सके। चाची बोली, अच्छा जी। हम दोनों हंसने लगे। हम दोनों ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी मेरी मम्मी वहाँ आ गई, तो चाची ने बात को बदल दिया और हम लोग काम में लग गए। रात को हम सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन अब मुझे नींद नहीं आ रहा था। चाची की कही गई बात मेरे मन में चल रहा था और मैं सोच रही थी कि अभी तक मेरा एक भी बॉयफ्रेंड नहीं है और सबको यही लगता है कि मेरा कोई ना कोई बॉयफ्रेंड तो जरूर होगा। शायद सब लोग मेरी खूबसूरती देखकर ऐसा सोचते होंगे। खैर, थोड़ी देर बाद मुझे प्यास लगी और मैं पानी पीने किचन में जा ही रही थी कि मैंने देखा चाची अपने कमरे से कहीं जा रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ चाची, कहाँ जा रही हैं? तो वो घबरा गई और कहने लगी कि अरे, वो मैं किचन में पानी पीने जा रही थी। मैंने कहा, अच्छा, मैं भी पानी पीने ही जा रही हूँ, मुझे भी प्यास लगी है। तो चाची बोली, हाँ हाँ चलो। हम लोग किचन में जाकर पानी पिए और फिर मैं अपने कमरे में चली गई। मैं दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि मैंने सुना चाची फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी और वो बोल रही थी कि हाँ, मैं कल जल्दी आ जाऊँगी, आप बस तैयार रहना। मैं समझ नहीं पाई थी कि चाची आखिर क्या बात कर रही हैं और इतनी रात में किससे बातें कर रही थी। मैं सोची, छोड़ो, कल सुबह मैं उनसे पूछ लूँगी। चाची भी अपने रूम में चली गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो घड़ी में 8 बज रहा था। मैंने देखा कि चाची नहा धोकर नाश्ता चाय बना रही थी और वो सबको नाश्ता करवा कर बाहर जा रही थी। तो मैंने कहा, चाची कहाँ जा रही हैं आप? वो बोली कि वो मैं टेलर के पास अपनी नई वाली ब्लाउज सिलवाने जा रही हूँ। मैं बोली, ओ अच्छा। फिर मैं सोची, आखिर ये चाची रोज़ उस टेलर के पास अपने कपड़े सिलवाने क्यों जाती हैं, जबकि हमारे घर पर अपनी मशीन थी और चाची को तो सिलाई भी आती थी। लेकिन वो कहती थी कि मुझे अपने हाथों से अपने कपड़े सिलाई किए हुए पसंद नहीं आते हैं, इसीलिए मैं वहाँ सिलवाने जाती हूँ। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो तो वहाँ पर कुछ और ही करने जाती हैं। 2 दिन बाद जब मैं अपने कॉलेज गई तो मेरी एक दोस्त ने मुझे कहा, क्यों, तेरी चाची उस टेलर के पास जाती है ना? मैंने कहा, हाँ, वो उन्हें कपड़े सिलवाने होते हैं क्योंकि वो हमेशा नए कपड़े ही पहनती हैं। तो उसने कहा, अच्छा, लेकिन गांव में तो कुछ और ही बात चल रहा है। मैंने कहा, क्या चल रहा है? तो उसने कहा कि तुम्हारी चाची कुछ गलत कर रही हैं। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मानती हूँ कि उनका व्यवहार थोड़ा गुस्से वाला है, लेकिन वो बहुत अच्छी हैं और मुझे अपनी दोस्त की तरह मानती हैं। अगर कोई बात होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। उसने कहा, अच्छा, ऐसा है तो खुद ही जाकर देख लो, सब पता लग जाएगा। अब तो मुझे ये सच जानना ही था, आखिर चाची उस टेलर के पास रोज़ क्यों जाती हैं और वो वहाँ 3 घंटे क्या करती हैं। एक दिन मैंने ये प्लान बनाया कि मैं कॉलेज जाने के बहाने उनका पीछा करूँगी। फिर मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और घर पर जाकर मैं चाची को घूरे जा रही थी। चाची मुझे देखकर बोली, क्या हुआ प्रिया, क्या बात है? मैं बोली, कुछ नहीं, वो भूख लगी है। तो चाची ने कहा, अच्छा, तो बताना चाहिए था ना, रुको मैं खाना लगाती हूँ। चाची ने खाना लगाया और मैं खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई। लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब सुबह हुआ तो मैं कॉलेज के लिए तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन मैं कॉलेज नहीं गई थी और वहीं पर एक घर के पीछे छुपकर अपनी चाची का इंतज़ार करने लगी।
करीब 15 मिनट बाद चाची आई और फिर उसी टेलर के पास एक ब्लाउज का कपड़ा लेकर जाने लगी। जब मैं ये देखी तो मैं हैरान रह गई। फिर मैंने सोचा कि मेरी दोस्त सही बोल रही थी कि चाची हमेशा इस टेलर के पास आती हैं। और जब मैं दुकान के पास जाकर देखी तो मेरा होश ही उड़ गया था, क्योंकि चाची तो वहाँ, वो मुझे वहाँ पर देखकर घबरा गई, पर ये सब देखकर मेरी आंखें भी चमक गई थी। और फिर मैंने सोचा कि मैं भी ऐसा करूँगी, लेकिन मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं पहले कभी भी ऐसा नहीं की थी। फिर मैं वहाँ तो कुछ नहीं बोली और मैं वहाँ से चुपचाप अपने घर पर आ गई। घर पर पहुंचकर मैं अपनी चाची का इंतजार करने लगी। जब चाची घर पर आई तो वो मुझे देखकर पहले से ही घबराई हुई थी। मैंने कहा, चाची वो जो आप टेलर वाले अंकल के यहाँ करते हो वो मुझे सब पता चल गया है। चाची डर गई और बोली कि प्रिया प्लीज किसी को मत बताना, तुम जो बोलोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, एक शर्त है। उन्होंने बिना सुने कहा, हाँ बोलो, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं बोली, मुझे तो वो काम आता नहीं है, मैं पहले वो काम कभी की नहीं हूँ, लेकिन आपको देखकर मैं भी वो काम करना चाहती हूँ। चाची ने कहा, क्या ये तुम क्या बोल रही हो, तुम ये कैसे कर सकती हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। मैंने कहा, मैं नहीं जानती वो सब, आप देख लेना। चाची को डर था कि मैं ये बात किसी को ना बता दूं, इसीलिए उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है। अगले दिन वो मुझे भी अपने साथ लेकर उस टेलर वाले अंकल के पास गई और चाची ने उस टेलर से कहा कि ये मेरी दोस्त है, आज से ये भी मेरे साथ आया करेगी। वो टेलर अंकल मुझे देखकर खुश हुआ और बोला कि अच्छा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद से तो मैं और चाची रोजाना उस टेलर की दुकान पर जाने लगे। धीरे धीरे अब मुझे भी वहाँ जाने की लत लग गई थी। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, तुम दोनों हमेशा सुबह के नाश्ते के बाद कहाँ चली जाती हो? तो फिर हमने कहा, वो मम्मी हम मार्केट से कुछ सामान लाने जाते हैं। तो फिर मम्मी ने कहा, इसकी भी क्या जरूरत है कि तुम लोग रोज रोज मार्केट जाती हो, एक ही दिन सारा सामान लिया करो, रोज रोज मार्केट जाने से लोग गलत समझते हैं। तो फिर हमने कहा, ठीक है मम्मी। फिर भी हमने मम्मी की बात नहीं मानी और मैं और चाची हमेशा वहाँ जाते थे। एक दिन मेरी मम्मी की दोस्त ने मम्मी को ये सब बात बता दिया कि प्रिया और उसकी चाची हमेशा उस टेलर के पास जाती हैं और 3 घंटे पता नहीं क्या करती हैं। तो फिर मम्मी गुस्सा गई और उन्होंने तो हमसे उस दिन कुछ नहीं कहा। और उसकी अगली सुबह जब हम लोग वहाँ गए तो वो भी हमारा पीछा करते करते वहाँ पर आ गई और उन्होंने देखा कि हम दोनों वहाँ पर कपड़े सिलाई कर रहे थे। तो मम्मी ने कहा, ये क्या कर रही हो तुम दोनों, हमारे खानदान की नाक कटवा रखी है तुम दोनों ने। तो फिर हमने कहा, मम्मी हम यहाँ पर रोज सिलाई करने आते हैं और 5 ब्लाउज सिलने के रोज हमें 1,000 मिलता है। मम्मी ने कहा, अच्छा ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं खुद तुम्हें ये काम करने से नहीं रोकती। लेकिन बेटा अगर तुम ये काम छुपाकर करोगी तो लोग इसे गलत समझेंगे। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया था और हमने मम्मी से माफी मांगी। दोस्तों, चाहे आप सही ही काम क्यों ना कर रहे हो, लेकिन अगर आप उस काम को छुपाकर करेंगे तो लोग उसे गलत ही सोचेंगे। इसीलिए आप अपने घर वालों को ये बात जरूर बताएं, ताकि कोई उनसे कुछ भी बोले तो उन्हें सब पहले से पता हो और वो कभी भी आपको गलत ना समझे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।